हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएनएल। आज का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द गवर्नमेंट लॉन्च द अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना इन द ईयर 2001 टू 2002। ओके, सो द स्कीम वॉज लॉन्च विथ ए व्यू टू मोबालाइज द आर्टिसंस इन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ट्रेनिंग द ग्रुप्स ऑन वेरियस आस्पेक्ट ऑफ forming and running the community business enterprises for self sustainability of artisans। okay, so basically ये क्या है ना, ये 2001 से 2002 में ये जो launch हुआ था अंबेडकर हस्त विकास सेल्फ, इसका स्कीम का मेन मोटो था तो मोबालाइज करना किसको, आर्टिसन को, जो आर्टिस्ट है ठीक है, उनको क्या करना है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्योंकि वो क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे एंड ट्रेनिंग भी लेंगे ठीक है, ग्रुप ऑन वेरियस एस्पेक्ट में एंड फॉर्मिंग एंड रनिंग करेंगे कम्युनिटी बिजनेस को ठीक है। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस स्कीम इज द मोबालाइज एंड जनरेट द अवेयरनेस ऑफ द टाइपिकल हैंडीक्राफ्ट आर्ट्स ओके फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ठीक है। सो देन क्या है, प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू आर्टिसंस एंड एक्सपोज देम टू ग्रेटर मार्केट टू सेल देयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड द प्रॉपर एजुकेशन एंड मार्केट नॉलेज टू आर्टिसंस सो देट दे लर्न द मार्केट टेक्निक एंड टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। एक्चुअली क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मोबालाइज करना किसको ना, जनरेट करना अवेयरनेस को ठीक है, किसका ना टाइपिकल हैंड जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंड में जो बनाते क्राफ्ट को ठीक है, आर्ट्स को ठीक है, उसका किस लिए ना ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग देंगे आर्टिसन को एंड क्या करेंगे ना ग्रेटर मार्केट सेल देयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ये वो एजुकेशन पाएंगे तो उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, तो नॉलेज बढ़ेगा क्या होगा उनका जो मार्केट टेक्निकी का अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है। इतना ही है, थैंक यू।